क्लास सिक्स इंग्लिश लेसन टेन पार्ट दस द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल द स्टोरी कहानी ऑफ अ बाइसिकल साइकिल साइकिल की कहानी। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया साइकिल भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओल्ड एंड यंग द मिल्कमैन द न्यूज़पेपर बॉय द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओल्ड एंड यंग बूढ़े और जवान मिल्कमैन दूधिया द न्यूज़पेपर बॉय अखबार बेचने वाला लड़का पोस्टमैन डाकिया एंड द हॉकर फेरी वाला यूज़ इट इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन यूज बाइसिकल फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अ लॉट ऑफ बहुत सारे एजुकेटेड पढ़े लिखे यंग मैन जवान आदमी बहुत सारे पढ़े लिखे जवान लोग साइकिल का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट हमारे वातावरण को पॉल्यूशन वगैरह से बचाने के लिए मतलब वातावरण की समस्याओं से बचाव के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1817 बाय अ जर्मन जो पहली साइकिल थी वो 1817 में एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी। इट वॉज मेड ऑफ वुड ये लकड़ी की बनी हुई थी। द राइडर सेट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड तो ये इस तरह की दिखती थी। द राइडर मतलब चलाने वाला ऑन द सैडल यहाँ पे बैठता था एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड इसके ऊपर बैठने के बाद यहाँ पे जमीन पे पैर रख के जमीन पे पैर रख के पैरों से धक्का दे के इसको आगे बढ़ाता था। जमीन में पैर रखा और गाड़ी को धक्का दिया उसके बाद पहियों से गाड़ी आगे बढ़ती थी इस तरह से चलती थी तो पहले उसमें पैडल नहीं थे। इन इंग्लैंड द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स और इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स कहा जाता था। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स और स्कॉट्समैन स्कॉटलैंड है स्कॉटलैंड में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था मैकमिलन उसने हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया मतलब उसमें सुधार किया। ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स बाय लॉन्ग रॉड्स अब तो इस आदमी ने क्या किया पेडल्स दिए जिस तरह से पेडल्स आजकल की साइकिल में होते हैं इस तरह से पेडल दिए जो कि पीछे के पहियों से कनेक्टेड थे एक लंबी रॉड के द्वारा। इस तरह से ये रॉड है और ये देखो ये रॉड है यहाँ पर पेडल लगे और ये पीछे है पहिए से कनेक्टेड। इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ट अ बेटर मशीन 1861 में एक फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति ने एक इससे ज़्यादा मतलब साइकिल को थोड़ा सा अच्छी मशीन बनाई एक थोड़ा और अच्छा साइकिल को बनाया। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड तो जो बनाया था इसको कहा जाता था बोन शेकर मतलब बोन मतलब हड्डी शेकर हिला देने वाला इसको बोन शेकर हड्डी हिला देने वाला कहा जाता था क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स इसके लकड़ी के पहिए गेव अ रफ राइड इसके लकड़ी के पहिए जो थे ये बहुत ज़्यादा रफ राइड देते थे। रफ मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ मतलब पूरा हिला देने वाली राइड देते ठीक है इसलिए इसको बोन शेकर कहते थे कि पूरा मतलब पूरा आदमी हिल जाता तो हड्डियाँ इसकी हिल जाती थी। सून रबर व्हील्स वर फिटेड एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड द बाइसिकल और जल्दी ही फिर उसमें और ज़्यादा सुधार आया लकड़ी की जगह रबर के पहिए लगा दिए गए और फिर इसको बाइसिकल साइकिल कहा जाने लगा। द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1879 बाय हैरी लॉसन एन अमेरिकन तो जो आजकल की मॉडर्न बाइसिकल है वो 1879 में हैरी लॉसन के द्वारा बनाई गई जो कि एक अमेरिकन थे। इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स अभी किसके द्वारा चलती थी चेन इसमें चेन भी लग गई तो पैडल तो लग गए थे पहले लेकिन चेन फिर बाद में लगी जो कि पहियों से और पैडल से कनेक्टेड थी कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स पीछे वाले पहियों से कनेक्टेड थी। द बाइसिकल हैज़ बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस
जो साइकिल है वो साधारण व्यक्ति का बहुत सालों से साथी रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसमें कोई भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ वे ईजी टू पार्क, और ये कहीं भी खड़ी करने भी बहुत आसानी होती है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, और साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के शरीर को ये बहुत ज़्यादा फिट भी रखती, मेंटेन रखती है। द यूज़ ऑफ बाइसिकल इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली एज इट कीप द इन्वायरमेंट नॉइज़ फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के लिए हितैषी है, क्योंकि इससे ना तो शोर का प्रदूषण होता है और ना ही इससे कोई ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, शोर और प्रदूषण से स्वतंत्र रखता है हमारे वातावरण को साइकिल। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पॉपुलर, लोकप्रिय, हॉकर, फेरी वाला, विल्ट, बनाया, सैडल, साइकिल की सीट, रोड, सवारी किया, रियर, पिछला, कंपेनियन, साथी, फ्यूल, ईंधन। और अब इस पार्ट के आगे क्वेश्चन आंसर्स दे